माना जाता है कि द्रौपदी जो पांचों पांडवों की पत्नी थी एक एक साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को एक साल तक देश के बाहर रहने का दंड था। एक बार ये दंड अर्जुन को भुगतना भी पड़ा था। अर्जुन और द्रौपदी की एक वर्ष की अवधि अभी अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ का एक वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपना तीर धनुष भूल आए, पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए उन्हें उसी समय इसकी जरूरत पड़ी। अतः क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए नियम तोड़ते हुए वो द्रौपदी के निवास में घुस गए। इस दौरान द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ थी। बाद में इसके दंड स्वरूप अर्जुन एक साल के लिए राज्य से बाहर चले गए। इसी एक साल के वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात उलूपी से हुई और वो अर्जुन पर मोहित हो गईं। ऐसे में वो उन्हें खींचकर अपने नागलोक में ले गईं और उसके अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। कहते हैं कि दोनों एक वर्ष तक साथ रहे। अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक वीरवार पुत्र मिला जिसका नाम इरावान रखा गया।